नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। कौन मारेगा बाजी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे परसा विधानसभा क्षेत्र की। परसा विधानसभा क्षेत्र सारण जिला के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं परसा विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक इतिहास और मौजूदा हालात के बारे में। वर्ष 2015 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम के बारे में अगर बात करें तो परसा विधानसभा क्षेत्र से 2015 में चंद्रिका राय और छोटे लाल राय के बीच मुकाबला हुआ था। चंद्रिका राय राजद के टिकट से चुनाव लड़े थे, उन्हें 76,990 वोट प्राप्त हुए थे। वहीं छोटे लाल राय लोजपा पार्टी से थे और उन्हें 34,789 वोट प्राप्त हुए थे। वर्ष 2010 और अक्टूबर 2005 के चुनाव परिणाम को देखा जाए तो इस सीट से छोटे लाल राय विधायक हुए थे। वे जदयू के टिकट से चुनाव लड़े थे, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उम्मीदवार राजद के चंद्रिका राय को शिकस्त दी थी। वर्ष 2005 के फरवरी माह में चंद्रिका राय राजद के टिकट से जदयू के छोटे लाल राय को शिकस्त दी थी। वहीं 2005 के अक्टूबर में हुए चुनाव में छोटे लाल राय जनता दल से विधायक हुए थे। वर्ष 2000 के चुनाव परिणाम में भी चंद्रिका राय ने कांग्रेस के रामनाथ विद्यार्थी को शिकस्त दिया था। अब हम इस विधानसभा सीट पर वर्ष 1995 के चुनाव की बात करें तो चंद्रिका राय ने जेडी के टिकट से रामनाथ विद्यार्थी को शिकस्त दिया था। वहीं अगर हम वर्ष 1990 के चुनाव परिणाम की बात करें तो चंद्रिका राय स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े थे, उन्होंने रामनाथ विद्यार्थी को शिकस्त दी थी। रामनाथ विद्यार्थी सीपीआई के टिकट से इस मैदान में खड़े हुए थे। परसा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की बात की जाए तो कई विकास कार्य हुए हैं। मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति किए जाने की कोशिश की गई है। क्षेत्र में बिजली और पेयजल की आपूर्ति की गई है। सड़कों का भी निर्माण किया गया है। चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो कई ऐसी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। बेरोजगारी अहम मुद्दा है जिससे युवा खफा हैं। जाम अतिक्रमण ऐसे पहलू हैं जिसका निपटारा किया जाना आवश्यक है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो इस बार परसा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए की तरफ से जदयू ने चंद्रिका राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। चंद्रिका राय परसा विधानसभा से सिटिंग विधायक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वो राजद के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार चंद्रिका राय जदयू में चले गए हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से राजद ने छोटे लाल राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। कुल मिलाकर मुकाबला इन्हीं दो नेताओं के बीच है। अब देखना दिलचस्प होगा कि परसा विधानसभा सीट से कौन बाजी मारने में कामयाब हो पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।